अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, तकरीबन एक हफ़्ता कबल मुल्तान के शहर शुजाबाद से एक ख़बर सामने आई थी, जहाँ पर पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने डकैती के दौरान दुल्हन के साथ इज्तमाई ज़्यादती की और 5 तोला सोना समेत 1.25 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए थे। खबर कुछ इस तरह थी कि पंजाब के शहर शुजाबाद के इलाके मोचीपुरा में शादी के घर में डकैती की वारदात हुई, जिसमें 4 मुसल्ला डाकू ने दुल्हन को मुबैना इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और 5 तोला सोना और 1.25 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। इसके बाद अहले खाना का बयान भी सामने आया था कि 3 डाकू पुलिस की वर्दी में थे और 2 घंटे तक अहले खाना को यरगमाल बनाए रखा। नाज़रीन, इस तमाम वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी और क्राइम सीन टीम भी मौका पर पहुंच गई थी और तहकीक का आगाज़ भी शुरू हो गया था। मगर नाज़रीन, शुजाबाद का ये वाक़या किसी फिल्म के सीन से कम ना निकला। मगर नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि शुजाबाद का ये वाक़या किसी फिल्म के सीन से कम ना निकला और दुल्हन से ज़्यादती के वाक़े का अब ड्रॉप सीन हो गया है। तफ्तीश के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का आशना था, जिसने दुल्हन की मर्जी से वारदात की थी और दुल्हे को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक शादी की रात ज्यादती का निशाना बनने वाली दुल्हन की मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उसके साथ सिर्फ एक शख्स ने ज्यादती की थी। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो इंकशाफ हुआ कि दुल्हन के आशना ने ही उसकी मर्जी से उसके साथ जो है वो रात गुजारी थी। दुल्हन का आशना अपने 3 दोस्तों के साथ रात को घर में दाखिल हुआ, छत पर सोए हुए दुल्हा के भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने दुल्हन के कमरे का रुख किया। 4 डाकुओं ने दुल्हा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे भी दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। बाद जहां आशना ने नई नवेली दुल्हन के साथ वक्त गुजारा और जाते हुए नकदी और जेवरात अपने साथ ले गया। पुलिस ने दुल्हन के आशना मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, इस तमाम वाक़े के बाद जो बात इंतहाई हैरान कन है वो इन डाकुओं का पुलिस की वर्दी पहन कर ये घिनौना काम करना है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इनको ये सब कुछ मुहैया किस तरह हुआ और इस काबिल एहतराम पेशे को क्यों रुसवा किया जा रहा है। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। औसाफ़ डिजिटल से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और डेली औसाफ़ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।